चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की अपनी क्लास को। आज हम लोग करने वाले हैं भाई साहब केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम कैसे आता है और उनके इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे होता है। आज उसी के ऊपर मैंने कहा था कि लास्ट क्लास जो पढ़ा है वो बेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आज अपने को सीखने हैं। जो भी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे और अपने को आंसर कैसे करना है। सिंपल, चलिए बड़ा क्वेश्चन नंबर वन की करते हैं बात। क्या बोलता है कि भाई साहब, सपोज देयर इज अ साइंटिफिक इनोवेशन, ओहो एक साइंटिफिक इनोवेशन हुआ दैट इंप्रूव्स द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एक्स, जिससे गुड एक्स के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इंप्रूव हो गया। इट मींस क्या कि भाई, एक इनोवेशन हुआ, एक न्यू टेक्नोलॉजी आई, एक अच्छी तकनीक आई जिससे गुड एक्स का प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया, इट मींस प्रोडक्शन बढ़ गया। अरे एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था सप्लाई के अंदर, जब नई तकनीक आएगी तो बच्चे, नई तकनीक के आने से, अच्छी तकनीक के आने से, जरा बच्चे एक बार याद करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी के आने से, नई तकनीक के आने से अपनी सप्लाई बढ़ती है। तो वही वाली बात तो यहां बोल रहा है, अरे बाबा वही वाली बात तो यहां पे बोल रहा है कि नई तकनीक आई, उस नई तकनीक से क्या होगा, अच्छी तकनीक आने से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, बिकॉज तकनीक नहीं है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट ज्यादा, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट ज्यादा, तो भैया वो तो मोटिवेट होगा और सप्लाई करेगा ज्यादा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट के कम होने से, प्रोडक्शन के कॉस्ट के कम होने से अकॉर्डिंगली क्या होगा, सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन सुनो, डिमांड रिमेन्स अनचेंज, डिमांड में कोई चेंज थोड़ी होगा, क्वेश्चन में कोई ऐसी बात थोड़ी बोली है कि डिमांड में चेंज होगा, नहीं भाई साहब, डिमांड में कोनो चेंज नहीं होगा, बस सप्लाई में चेंज होगा, तो डिमांड रिमेन्स अनचेंज। अब जब सप्लाई बढ़ेगी, तो मैंने बताया था ना, बढ़ेगी तो राइट में, घटेगी तो लेफ्ट में, सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व कहां पहुंच जाएगा आपका, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, SS से S1। अब कैसे, सप्लाई जब बढ़ेगी, सप्लाई कर्व आएगा राइट में, ये पहले SS था, और बच्चों अब ये आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा S1। नए सप्लाई कर्व को बनाया मैंने डॉटेड पॉइंट से। अब इस नए सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं है तो पुराना ही रहेगा, इस नए सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को यहां पर कट किया, पहले वाला था इक्विलिब्रियम और इस नए वालों को बेटा मैंने क्या बोला, E1। अब E1 पे क्या हो गया, नीचे मिलाया तो देखा क्वांटिटी बच्चों पहले OQ थी, अब बढ़कर क्या हो गई, OQ1। और यहां देखा तो बच्चों प्राइस पहले OP थे, लेकिन देखो ना प्राइस घट गए और क्या हो गए, घट के OP0। तो इस केस में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गए। क्या लिखा है, इट इंटरसेक्ट डिमांड कर्व DD एट पॉइंट E1। जो S1 नया सप्लाई कर था, उसने डिमांड कर्व को DD पे कट किया, E1 पे कट किया, जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस बच्चों क्या हो गया, OP से घटकर, फॉल फ्रॉम OP से OP0, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज बढ़ गई OQ से बढ़कर OQ1। तो पहला वाला केस सिंपल था, आपको होपफुली समझ में अच्छे से आ गया, बताइए क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों क्लियर है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता है, एक बात और, ये बात आपको अपने आप से पहले से एज्यूम कर लेनी है कि डिमांड सप्लाई ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। ये बात आपको पहले एज्यूम कर लेनी है कि भैया जो अपना डिमांड सप्लाई है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ये आपका पॉइंट ई है, ये प्राइस है ओपी, और आपकी क्वांटिटी है बच्चों OQ। उसके बाद क्या चेंज हुआ, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ देयर इज फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओहो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। जो बच्चों ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड आप जानते हो, ऐसे फूड जो बिना किसी केमिकल्स के खेतों में उगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, जिनके लिए किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते, प्योरली उनको उगाते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक फूड की देश में डिमांड ज्यादा है, हेल्थ को देखते हुए अब लोग चाहते हैं कि वो जो फूड खाए वो प्योर फूड खाए, उनमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज ना हो, किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज ना हो, तो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। अब हो क्या रहा है, ऑर्गेनिक फूड की देश में डिमांड बढ़ रही है, लोग उसमें फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस
हमारा फेवरेबल चेंज होगा कि जब हमको वो चीज पसंद आएगी हमारे फेवर में होगा, अपन लोग उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। तो यहां पे वही तो हुआ कि फेवरेबल जब चेंज हुआ किसमें, ऑर्गेनिक फूड के केस में, तो इसमें इंक्रीज इट्स डिमांड, हमने इसकी डिमांड को बढ़ा दिया। सप्लाई कर्व मींस अनचेंज, भाई कोई ऐसा पॉइंट तो है ही नहीं, सप्लाई की बात करें अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फूड से अपन लोग डिमांड बढ़ाएंगे। अब जब अपन लोग डिमांड बढ़ाए गए तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट वार्ड डीडी से डी1 की ओर। तो अब जब डिमांड कर्व बच्चों राइट में शिफ्ट होगा तो डीडी था, और जब राइट में जाएगा तो आपका ये क्या बनेगा, आपका बनेगा ये नया डिमांड कर्व डी1। सप्लाई कर्व की बात तो है ही नहीं, सप्लाई कर्व सेम रहेगा। अब इस नए डिमांड कर्व ने पुराने सप्लाई कर्व को बच्चे यहां पर कट किया, इसको मैंने बोला ई1, और यहां पर नोटिस किया नीचे आके क्वांटिटी का लेवल OQ से बढ़ के OQ1 हो गया और प्राइस का लेवल OP से बढ़ के OP1। तो यहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों बच्चे बढ़ गए। तो वही लिखा है कि भैया जो ये नया D1 है ना, ये यहां पे आएगा सप्लाई कर्व, कि ये जो आपके सप्लाई कर्व को, सप्लाई कर्व SS को कट करेगा E1 पे, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, जो पहले OP था बढ़कर क्या हो गया OP1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो वो भी बढ़ गई, पहले OQ थी और बढ़कर बच्चों क्या हो गई OQ1। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको एकदम चौका चौका अच्छे से क्लियर है, कोई समस्या जी नहीं। चलिए अब बच्चों बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर, चलो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अपना अगला केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन भैया एग्जाम में आ चुके हैं, अरे बाबा कितनी बार बोलूं एग्जाम में आ चुके हैं, अच्छे से कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्या बोलता है, ये बोलता है बैनिंग ऑनियंस एक्सपोर्ट शुड डिक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अनियन। अब इसको, इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है एक्चुअल में, इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है लेकिन आपको उसको डिमांड और सप्लाई की हेल्प से प्रूफ करना है। ये बोलता है बैनिंग ऑनियन एक्सपोर्ट, कि ऑनियन के एक्सपोर्ट को अपन लोगों ने अगर बैन कर दिया तो उससे क्या होगा, शुड डिक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अनियन, इससे जो है देश में प्याज के प्राइस, इट मींस क्या, अगर हम ऑनियन को बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो देश में जो है उसके प्राइस कम हो जाएंगे। क्या ये बात सच है, अगर हम ऑनियन बाहर ना बेचे, एक्सपोर्ट ना करें, क्या देश में उसके प्राइस कम हो गए? यस, ये बात एकदम सच है, लेकिन इस चीज को हमको टेबल और डायग्राम, सॉरी इस चीज को अपन लोग को डिमांड और सप्लाई से प्रूफ करना है। अब एक बात को थोड़ा सोचना, अगर ऑनियन के प्राइस की बात हो रही है तो जो आपका कर्व बनेगा वो ऑनियन का बनेगा, लेकिन देखो सप्लाई कर्व बनेगा या डिमांड कर्व बनेगा, बेटा सप्लाई कर्व बनेगा। पता है क्यों, ऑनियन बाहर नहीं बेच रहे, अब ऑनियन का एक्सपोर्ट बाहर नहीं हो रहा, तो वो जो अनियन है, वो जो प्याज है, अब वो देश के अंदर ही ज्यादा उगेगी, पहले देश के अंदर उगती थी उसको बाहर बेच दिया, देश में बेचा ही नहीं, अब प्याज उगेगी तो, लेकिन देश के अंदर ही बेचेंगे, तो प्याज उगेगी देश के अंदर बेचेंगे तो उससे देश में प्याज की सप्लाई बढ़ जाएगी, पहले सप्लाई कम थी बिकॉज उस प्याज को बाहर बेच दिया, लेकिन अब प्याज देश के अंदर रहेगी, प्याज का प्रोडक्शन होगा, प्याज देश के अंदर, उससे क्या होगा सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी सप्लाई कर्व आपका राइट में पहुंच जाएगा। तो चलिए सप्लाई कर्व कहां पहुंच गई, राइट में, लो सप्लाई कर्व जो है, एक मिनट, सप्लाई कर्व बच्चों मान लो आपका S1 S1, मैंने डॉट नहीं किया, आप कर लेना, S1 S1 सप्लाई कर्व कहां पहुंच गया, जी आपका राइट में पहुंच गया। इस सप्लाई कर्व ने इस डिमांड कर्व को इस E1 पे काटा। पहले वाला पॉइंट क्या था, ई, पहले प्राइस क्या थे OP, और पहले क्वांटिटी क्या थी OQ। इस E1 पे देखा मैंने तो क्वांटिटी मेरी बढ़ गई OQ से बढ़ के OQ1, और देखो जो प्राइस है वो घट गए OP से घटकर OP0। इट मींस मेरी स्टेटमेंट ठीक है कि डिक्रीज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अनियन, इससे क्या हो गया, देखो देश में प्राइस कम हो गए, पहले प्राइस OP थे और OP से घटकर कम हो गए, स्टेटमेंट भी ठीक है, और उसको मैंने डिमांड और सप्लाई से प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, देखो प्राइस सच में घट गए, तो वही वाली बात यहां पे लिखी है कि अगर हम ऑनियन के बैनियन के अगर हम ऑनियन के एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे तो उससे अपने देश में डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी, बिकॉज प्याज बाहर नहीं जा रही, देश के अंदर रहेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से सप्लाई कर कहां पहुंच जाएगा आपका, शिफ्ट ऑन राइट, राइट में पहुंच जाएगा, जब राइट में पहुंच जाएगा तो उससे प्राइस जो है घट जाएगी। आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं, पहले डीडी और SS, पुराने वाले डीडी और SS क्या है, ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई का, ये क्या है डीडी ओरिजिनल और SS ओरिजिनल, और ये दोनों ने पहले कहां पे काटा, एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट किया।
अब क्या हो गया, उस ई पर प्राइस क्या है पहले ओपी और मात्रा क्या है पहले ओक्यू, है ना, प्राइस क्या है ओपी, मात्रा क्या है ओक्यू। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहां से मेन बात हुई आफ्टर इंक्रीज इन सप्लाई टू एस एस, लेकिन जैसे सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व कहां पहुंच गया, एस वन एस वन पर, एस वन एस वन पर पहुंच गया। और जब एस वन एस वन पर पहुंचा उसने डिमांड कर्व को ई वन पे काटा, तो अपना जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो हमें कहां पर मिला, ई वन पे। और ई वन पे हमने चेक किया जो प्राइस है वो घट गए ओपी जीरो से, घटकर क्या हो गए ओपी जीरो, और क्वांटिटी बढ़ गई वो बढ़कर क्या हो गई ओक्यू वन। बताइए समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था ये, था वो क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, बच्चों आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर फोर है, बस थोड़ा सा अंतर वहां पे अनियन था, यहां पर क्या बोल दिया, यहां पर आपको बोल दिया प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। हाँ क्या बोलता है, ये बोलता है बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ क्लॉथ बैग। अगर देश में जो सिंगल यूज प्लास्टिक को मान लो बैन कर दिया, प्लास्टिक को बैन कर दिया, तो उससे क्लॉथ बैग के प्राइस बढ़ गए, क्लॉथ बैग के प्राइस बढ़ गए। एक्सप्लेन दिस यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब पता है, सुनो, आप जो भी कर्व बनाओगे, डिमांड कर्व बनाओगे, सप्लाई कर्व बनाओगे, किसका बनाओगे, प्लास्टिक का बनाओगे या क्लॉथ बैग का बनाओगे, किसके प्राइस की बात हो रही है, क्लॉथ बैग की, तो उसका बनेगा। सिंपल सिंपल समझ लो, जिसके प्राइस के बारे में बात हो रही है, जिसके प्राइस के बारे में बात हो रही है कि उसके प्राइस बढ़ेगे या घटेगे, तो उसका जो है जो भी कर्व बनेगा, डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, वो उस वस्तु का बनेगा। तो यहां पे जो भी मेरा कर्व बनेगा वो किसका बनेगा, वो क्लॉथ बैग का बनेगा। अब क्लॉथ बैग को देखा जाए, क्लॉथ बैग की डिमांड पर फर्क पड़ेगा या सप्लाई पर फर्क पड़ेगा। तो अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को देश में बैन कर देंगे, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को देश के अंदर बैन कर देंगे, तो उससे क्लॉथ बैग की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज प्लास्टिक का यूज तो करना नहीं है, इससे क्या होगा, लोग क्लॉथ बैग का यूज करेंगे और क्लॉथ बैग की देश में डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने क्या बोला कि आपको डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व उसी का बनाना है जिसके प्राइस की बात हो। यहां पे क्लॉथ बैग का बनेगा और क्या बनेगा, डिमांड कर्व, बिकॉज प्लास्टिक को बैन करने से क्लॉथ बैग की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व कहां जाएगा आपका, डिमांड कर्व आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा, डी वन डी वन, जबकि सप्लाई वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, ऐसे सप्लाई की बात हो। अब इस डी वन डी वन ने सप्लाई कर्व को इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ई वन पर कट किया, और जब मैंने नोटिस किया तो क्वांटिटी ओक्यू वन से, ओक्यू से बढ़कर ओक्यू वन, और प्राइस ही बच्चों बढ़ गए ओपी से बढ़ के ओपी वन। तो प्राइस भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़ी, और वही वाली बात सेम यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर हम बैन कर देंगे, ठीक है, तो क्लॉथ बैग की जो डिमांड है, ठीक है, वो बच्चों बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई कर रिमेंस अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर वही वाली बात आ गई, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्राइस है वो बढ़ गए ओपी वन हो गए, और क्वांटिटी भी बच्चों बढ़ गई ओक्यू वन हो गई। बताओ क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर है, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर फोर भी एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर फाइव की, बोलता है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इफ गवर्नमेंट इंपोज टैक्स ऑन बायर। अगर सरकार बायर्स पर टैक्स लगा दे, अगर सरकार बायर्स को बोले कि भाई साहब आपको सामान खरीद रहे हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, सिंपल सिंपल, या फिर सामान नहीं खरीद, हाँ सामान खरीद रहे हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या होगा, सिंपल सिंपल। अगर बच्चों बायर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, अगर बायर्स को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स बायर के लिए अच्छी बात नहीं है, बायर चाहता है मैं टैक्स पे ना करूं, ठीक है। अब अगर बायर सामान खरीदेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए बायर सामान खरीदना कम कर देगा, बायर जो है गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। अब जिससे क्या होगा, तो याद रखना, अगर सरकार टैक्स को लगाती है तो इससे जो है बायर गुड की, वस्तु की डिमांड को डिक्रीज करता है, बिकॉज बायर टैक्स पे करना नहीं चाहता, उसको अगर टैक्स पे करना होता है, ठीक है, टैक्स पे करना नहीं चाहता, अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो वो गुड्स की डिमांड और कम कर देगा। अब गुड्स की डिमांड कम कर देगा तो डिमांड कर इस बार अंदर की ओर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा D1 D1, जबकि सप्लाई कर्व आपका सेम रहेगा। अब ये नया डिमांड कर सप्लाई कर्व को इस पर काटेगा E1 पे, पुराना वाला पॉइंट क्या है E, नया पॉइंट क्या है E1। अब E1 पे देखो तो क्वांटिटी OQ थी और घटकर क्या हो गई OQ0,
और प्राइस आपके ओपी थे और देखो घटकर क्या हो गए ओपी जीरो। तो इस वाले केस में बच्चों क्या होगा, आपके जो प्राइस है वो भी घटकर ओपी जीरो और जो क्वांटिटी है बच्चों वो भी घटकर ओक्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज डिमांड घटा तो डिमांड कर्व आपका जो है शिफ्ट लेफ्ट वार्ड लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है एकदम अच्छे से, होपफुली आप लोग समझ पा रहे होगे, होपफुली आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन केसेस का। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ड्राफ्ट सूखा, ड्राफ्ट का सूखे का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर और क्वांटिटी पर। बहुत सिंपल है बेटा, अगर देश में सूखा पड़ जाएगा तो देश में जो है ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर देश में सूखा पड़ेगा तो देश में फूड ग्रेन्स का, अनाज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अनाज का प्रोडक्शन कम तो उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो सप्लाई कर्व आपका अंदर की ओर, बोलो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो सप्लाई कम होने से सप्लाई शिफ्ट कर्व कहां पे होगा, लेफ्ट वर्ड, इट मींस सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट यहां पे होगा। डिमांड कर्व में नो चेंज, ये क्या आ गया आपका S1 S1, प्राइम डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को यहां पर कट किया, ये मिल गया E1। प्राण वाला पॉइंट क्या है आपका E1 पे देखोगे तो क्वांटिटी कम हो गई और आपके प्राइस बढ़ गए। क्वांटिटी पहले क्या थी OQ, अब क्या हो गई OQ0, और बच्चों प्राइस पहले क्या थे OP, अब क्या हो गए OP1। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है विल फॉल, वो कम हो गई, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है विल राइज, और बच्चों आपके बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक आपको डिमांड सप्लाई के केस बेस वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि पेपर में कैसे केस बेस वाले क्वेश्चन पूछेगा और अपने को उसका आंसर कैसे करना है। क्लियर है एकदम अच्छे से। तो भाई साहब यहां पे आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा एकदम अच्छे से होता है, खत्म होता है, फिनिश। अब बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।